यह सवाल तो है, कानून का राज होता हर संस्थान काम करता, हर संस्थान काम करता तो फिर एक खौफ होता, खौफ होता तो फिर अनुशासन होता, अनुशासन होता तो इस तरह सड़क पर भीड़ तंत्र नजर नहीं आता जिसे लगता है कि वो सही है। लेकिन मुश्किल ये नहीं, मुश्किल तो यह है सत्ता और हर दौर की सत्ता सोचती है संविधान उसके अनुकूल कैसे हो जाए, यह भी नहीं। इस दौर में तो यह भी नजर आ गया कि हम जो सोचते हैं वही सब ठीक है और यह शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे अनुकूल ही अब इस देश का एजुकेशन सिस्टम हो जाए। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। प्रकाश केशव जावड़ेकर तो संविधान की शपथ लेकर प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री तो बन गए, लेकिन क्या देश के युवा और बच्चे उन शैक्षिक अधिकारों को जी पा रहे हैं जो संविधान में दर्ज हैं और संविधान ने उन्हें दिए हैं? क्योंकि एक तरफ शिक्षा के नाम पर देश का सच तो ये है, 1 लाख से ज्यादा स्कूलों के पास इमारत के नाम पर एक छोटा कमरा है, 42,000 स्कूलों के पास अपनी कोई इमारत नहीं, 52,000 स्कूलों में एक अदद ब्लैक बोर्ड तक नहीं, 1 लाख स्कूल ऐसे जो एक टीचर भरोसे चलता है, 90% स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम में तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के पायोनियर यूनिवर्सिटी सियासी अखाड़े बन जाते हैं। याद कीजिए जेएनयू, और फिर याद कीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का हंगामा, और अब याद कीजिए वेमुला की खुदकुशी के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हंगामा। या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू का हंगामा। या गुजरात के कच्छ यूनिवर्सिटी में एपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। और इस हंगामे या बदहाली के बीच सरकार अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी खत्म कर उच्च शिक्षा आयोग के गठन की बात कर रही है। तो सवाल उठने लगे हैं, क्या शिक्षा भी सियासी रंग में रंगा जा रहा है? क्योंकि उच्च शिक्षा आयोग को यूनिवर्सिटी को फंड बांटने का अधिकार नहीं होगा और ये अधिकार शिक्षा मंत्रालय अपने पास रखेगा। नए आयोग में 10 में से 6 मुख्य पदों पर सरकारी नुमाइंदे होंगे, जबकि 4 पदों पर भर्ती स्वतंत्र रूप से होगी जिनमें शिक्षाविद होंगे। प्रस्तावित आयोग भी स्वतंत्र नहीं होगा बल्कि इसके ऊपर एक एडवाइजरी कमीशन होगी और इस कमीशन के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे। मुद्दे कई हैं, पर बड़ी बात तो यह कि संसद के जरिए बने यूजीसी एक्ट को बिना बहस के खत्म किया जा रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल जो बना रहे हैं उससे साफ नजर आती है कि एक तो उच्च शिक्षा को सीधी रूप से सरकार अपनी कंट्रोल में नियंत्रण में लेना चाहती है। ये जो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया लाया जा रहा है तो ये पूरी तरह से उच्च शिक्षा के निजीकरण की तैयारी है। फाइनेंसिंग जो था वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट था, इंडिपेंडेंट बॉडी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से होगी, अभी इनके हाथ से लेके गवर्नमेंट खुद करना चाहती है। यानी सरकार चाहती है उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले उच्च शिक्षा आयोग का नियंत्रण उसके हाथ में रहे, लेकिन जिस शिक्षा नीति पर उसका नियंत्रण है और जिसे बनाने की उसकी जिम्मेदारी है, जिसे सत्ता में आते ही बनाने का दावा भी किया गया, वही शिक्षा नीति तो बीते 4 बरस में बन नहीं पाई। और देश की प्राथमिक शिक्षा का हाल क्या, ये तस्वीरों से समझिए, जहां बच्चों के हाथ में किताबें नहीं झाड़ू थमा दी जाती है। हरदोई से लेकर बुलंदशहर और लखनऊ तक की ये तस्वीर बतलाती है शिक्षा का हाल क्या है, बच्चे पढ़ने के बजाय स्कूल साफ करने जाते हैं। यूं संविधान में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है जिसके तहत 6 से 14 बरस तक के हर बच्चे को नजदीकी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल पहुंचना कितना दुश्वार इन तस्वीरों को देख लीजिए। बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर, स्कूल में कितनी पढ़ाई होती होगी ये अलग बात, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं ये सच बात। बारिश में हम 2 बार डूब भी चुके हैं नदी में, और हमारे बैग भी गीले हो जाते हैं और हमारी किताबें और ये भी गीले हो जाते हैं, और हमें गीले होते ना तब हमें बुखार भी आ जाता है, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और बारिश में एग्जाम रहती है तब भी हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। अच्छा। नदी में टहल के जाते हैं और ज्यादा रहती है तो पापा छोड़ जाते हैं, और ज्यादा रहती है इतना पाते। और इन 200 बच्चों को भी देख लीजिए, पिछले दिनों ही हमने दिखाया था सीतापुर का 25 गांव, इन बच्चों ने तो स्कूल आज तक देखा ही नहीं। तो क्या संविधान के अधिकार से इतर शिक्षा अब या तो सियासी हथियार है या फिर मुनाफे का धंधा?
क्योंकि सरकार का शिक्षा का पूरा बजट भी 1,00,000 करोड़ को छू नहीं पाता और प्राइवेट स्कूलों का बजट ही 8,00,000 करोड़ पार कर जाता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।